हकला भाभी क्या हुआ इसको? अरे हमें क्या पता, ये जब आया तो हमसे बोले कि हमारे ब्लाउज का डोरी बांध दो। पता नहीं कहाँ हो गया इसे। आप बोलो तो हम इसके लिए पानी ले आएगा। अरे नहीं नहीं, अब देखो भाभी, इन लोग का दिल ना बहुत ही कमजोर होता है। सबका दिल दो हाथों के बीच में होता है और इसका दिल ना दो टांगों के बीच में है, है? अब देखो ना, बेचारे को दिल का दौड़ा पड़ गया। दो टांगों के बीच में दिल? भाभी अब देखिए ना, भगवान भी गलत लोगों के साथ गलत चीजें कर देता है और इसके साथ तो 250 ग्राम कुछ ज्यादा ही कर दिया। अब इसने मर्दों की पीठ देखी है, एकदम खुदरी हुई। अब इसने यहाँ पे एकदम चिकनी टाइल्स देख ली, गिर गया ना बेचारा। वैसे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम बाहर ले जाके गोबर में चप्पल डुबो के सुंघा देंगे, एक मिनट में उठ जाएगा ये। वैसे ब्लाउज की डोरी बंधी ना हो तो हम बांध देते हैं अभी। नहीं नहीं, हमारी डोरी बन गई है। पता चले डोरी बांधने के चक्कर में तुम्हारे दोनों टांगों के बीच का जो दिल है ना, उसको ना दौरा पड़ जाए, फिर उसे कौन संभालेगा? बहुत मजबूत है हमारा दिल। और वैसे भी हमारा दिल ना दौरा पड़वा देगा, लेकिन आंच नहीं आने देगा। अगर आप कहें तो हम अभी कर देते हैं। ठीक है ठीक है, बाद में। ठीक है, अगर आपको कभी ऐसी जरूरत लगे ना तो आप हमें याद कर सकती हैं भाभी। ठीक है। अबे अगले चल। अबे भोजड़ी के, कितनी बार तुम्हें बोला है कि ऐसे खतरनाक खेल काहे खेलते हो? ये समझो कि ऊपर वाले ने इसे मूतने के लिए बनाया है, समझे? वारे मेरे मिट्टी के शेर। हाँ, मैं मिट्टी का फेर। और तू वैसे ये बता, वैसे तू क्या देख रहा था? पेट चिकनी गोरी गोरी। हाँ, और इतने में ही तुझे मिर्गी आ गई होगी, पक्का बोल रहा हूँ मैं। पहली बार इतने करीब से देखा और छुआ भी। इतने दिनों से तुम्हारी भैंस जैसी काली काली पीठ देख रहा था, आज जाके मैंने मेरे अप्सरा की पीठ देख ली। हाय दैया मोरी गोरी मोरी। भोसड़ी के, बहुत मुश्किल से होश में आए हो, क्या समझ रहे हो? सपने में तू अपने कुतुब मीनार पे सिर्फ तेल लगा, समझे? बाबू, आज पता चला भाभी भी हम पे लाइन मारती है। वो कैसे? देख, आज ब्लाउज की डोरी बंधवाई है, कल पेटीकोट की बंधवाएगी धीरे धीरे। बे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। चल भोसड़ी के, ज्यादा बकचोदी मत कर, चल हाथ धुल, कुछ खा के आते हैं। नहीं, हम हाथ नहीं धोएंगे, अब तो हम 10 दिन तक हाथ नहीं धोएंगे। कहाँ है बे? यही हाथों से तो भाभी के बदन को छुए हैं। देखो भाभी के बदन की खुशबू आ रही है। अच्छा बेटा, अच्छा ये बता, अगर भाभी से तुझे तेरी गांड छू गई होती तो अपनी गांड नहीं धुलता? भाग बे भोसड़ी के, गांड नहीं धोता,
चल भूख लगी, कुछ खा के आते हैं। चल आजा साले।